मैं प्रिया आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा था कि विदेश दौरों पर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाना देश के हित में नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जयशंकर के इस बयान का जवाब दिया है। जयराम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, जिस शख्स ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की वो कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने आपको मंत्री पद दिया है। आप इसे जानते हैं लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश के बाद कांग्रेस के एक और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी जयशंकर पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा, प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है और देश के 70 साल से अधिक पुराने इतिहास पर प्रकाश डाला है। राहुल गांधी ने जो कहा वह केवल सच है कि हमारे संवैधानिक निकायों पर सुनियोजित व्यवस्थित हमला हो रहा है। भाजपा ने विदेश मंत्री को एक पुरानी स्क्रिप्ट दी है और उन्हें एक नई स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि वर्तमान सरकार में भारत के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। उन्होंने अमेरिका में बसे भारतीयों से अनुरोध किया था कि वो भारत वापस आए और लोकतंत्र के साथ भारतीय संविधान की रक्षा में खड़े हो। राहुल ने कहा था, भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया की भलाई के लिए है। भारत इतना बड़ा है कि यदि देश के लोकतंत्र में बिखराव पैदा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए आपको सोचना है कि भारतीय लोकतंत्र को आपको कितना महत्व देना है, लेकिन हमारे लिए यह एक आंतरिक मामला है और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और हम जीतेंगे। राहुल गांधी के बयानों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया गया था। विदेश मंत्री तब BRICS देशों की बैठक के लिए साउथ अफ्रीका में थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। तब एक युवक ने राहुल का नाम लिए बिना पूछा था, कुछ लोग अमेरिका में भारत पर बयान दे रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? विदेश मंत्री ने इस पर कहा, मैं विदेश जाकर राजनीति नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं विदेश जाऊं तो राजनीति नहीं करूं। हालांकि मैं भारत में बहस के लिए तैयार हूं। जयशंकर भारत लौटने के बाद गुरुवार को मोदी सरकार की 9 साल की फॉरेन पॉलिसी की जानकारी दे रहे थे। तब उनसे मीडिया ने राहुल के अमेरिका में दिए बयान पर सवाल किया। इस पर एस जयशंकर बोले, जब उनकी राहुल गांधी की बुनी हुई कहानियां देश में नहीं चल पाती तो वो समर्थन के लिए विदेश चले जाते हैं। उनकी आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है तो कभी दूसरी पार्टी। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन नहीं आता। यह कहने के बाद जयशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो वही होगा।